अस्सलाम वालेकुम इफी भाई, क्या हाल है आपके? क्या हाल है सागर भाई? खैरियत? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ भाई। वो ट्विटर पे हमारे एक दोस्त हैं बाबर, उन्होंने एक बहुत ही जो है ना वो अच्छा सेंसिटिव और इमोशनल किस्म की हमें ट्वीट की कि आप लोगों ने कसम खाई हुई है कि पाकिस्तान मैच हारेगा तभी वीडियो करेंगे, वरना आप लोग वीडियो नहीं करेंगे। तो भाई बाबर भाई और हमारे और बहुत सारे दोस्त और जिनके कमेंट्स भी आए, मैसेजेस भी आए, वो हमारी वीडियो का वेट करते रहे। उन सबसे बहुत माजरत, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था पिछले 3-4 दिन से और बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था कि बैठ के वीडियो करें, इस वजह से वीडियो नहीं आई। इसमें पाकिस्तान के जीतने या हारने का कोई ताल्लुक नहीं है, यकीन करें। मैं कसम नहीं खाता, अगर कसम खाता होता तो खा लेता। खैर, चलते हैं इफी भाई की तरफ और इफी भाई से हाल अहवाल लेते हैं। फाइनली पाकिस्तान बाबर आजम की क्यादत में एक मैच जीता T20, उस पर बात करते हैं और हाल चाल पूछते हैं फिर भाई से। कैसे हैं फिर भाई? यार, वही सागे भाई, आप व्यूवर्स के लिए तो शो करना पड़ता है। आपको खुद पता है कि पिछले जो हमने कुछ शोज किए हैं, आखिरी जो शोज हमने किए हैं, वो किस तरह से बड़े मुश्किल से टाइम मैनेज करके सुबह हो जाती थी तकरीबन, कि यार चलो ठीक है, एक रेगुलर एक चीज कर रहे हैं। हमारा खुद भी है कि यार रेगुलर करें, मगर अभी कुछ मसरूफियात, आपको पता है, अभी नया नया कोरोना जरा खत्म हो रहा है तो चीजें खुल रही हैं, सोर्सेज बढ़ रही हैं काम के लिए, तो उसकी तरफ आप भी बिजी रहे, आपसे भी बात हाँ होती रहती है, मेरा साथ भी ये रहा। तो अब वहाँ लोगों का रोना मुझे यही था, मुझे खास तौर पे इनबॉक्स किया मेरे कुछ दोस्तों ने, कि हाँ भाई तू तो अब डालेगा नहीं शो क्योंकि पाकिस्तान जीत गया। यार ये कौन नहीं चाहेगा, पाकिस्तानी बताया कि पाकिस्तान न जीते यार। और अच्छी एक जरूरत पड़ी गई यार बाबर आजम को, हाल में ख्वाब आ गया बाबर को इस बात का, यार सरफराज को खिलाओगे तो जीत आएगी, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर और यार मैंने कहते एक हैं ना, चीज और भी देखी, वो आप एक बात कहते हैं ना कि जीत हमेशा विकेटों के पीछे से आती है। तो हाँ वो मतलब वो धोनी के हालांकि लिए मैं हमेशा से कहता था, हाँ हालांकि मैं धोनी के लिए हमेशा से कहता था। सरफराज ने सिवाय चिल्ला चिल्ली के, चीखम चाखी के और इधर उधर भाग दौड़ के, उसका वैसे कोई हाँ कंट्रीब्यूशन नहीं आया। एक रन आउट शायद उसमें कंट्रीब्यूट किया उसने, बैटिंग सरफराज ने की नहीं, चीखता चिल्लाता रहा बस। मोइन अली का स्टंप भी मिस यार, किया। कम से कम सरफराज बोल रहा है तो वो इंग्लिश कमेंटेटर को भी समझ में आ रही है, और फील्ड में जितने लोग हैं उनको भी समझ में आ रही है। मतलब कप्तान को ये शिकायत नहीं है कि कुछ लड़कों को समझ में आ रही है, सिर्फ बात सबको ही बिल्कुल समझ में आ रही है, और उसके बाद नकल में ग्राउंड के कोने तक जाती है। मगर यार एक वेलकम जीत है पाकिस्तान के लिए, एक मतलब शक्ल थोड़ी सी तो कोई T20 का स्क्वाड तो अच्छी सी शक्ल लेकर आएगा अपनी, कि ठीक है यार हम बराबर करके आए। टेस्ट में वो खातिर का कामयाबी नहीं हुई, मगर मैं ये कहूंगा कि यार मिसबाह-उल-हक के करियर के लिए बड़ा अच्छा हो गया कि T20 बराबर हो गया। मगर क्योंकि कराची का मीडिया जिस तरह से ऐसे छुरिया होना निकाले था बैठा ना। हुआ था ना मिसबाह के खिलाफ, और नहीं नहीं सबसे ज्यादा डर भी मिसबाह को यही था, मुझे लग रहा है कि सरफराज को भी शायद इसी प्लानिंग का हिस्सा रखा है कि यार एक तो वो उन आवाजों का गला दबा दिया जाए जो सरफराज के लिए उठ रही है कि उसको क्यों नहीं खिलाया। और सबसे अहम बात यह है कि यार ये हैदर अली शुरू के 2 T20 में क्यों याद ना आया, मतलब उसमें कोई शक था इनको, डाउट था, या फिर ये गले में फंस चुका था इनके, इन्होंने बोला कि यार इनको भी मौका दे दो, ये हाँ, ना हो ओ पाकिस्तान जाए तो ये इफ्तिखार सवाल किया जाए। इफ्तिखार, ओ इफ्तिखार, सरकार को कान लेके इफ्तिखार जाते भाई फिर समझे ने मतलब, वही मैं ना कह यार रहा इस हूँ ना कि बात यार को। वो मगर पहला ये कि बात ये होती है कि पहला हक जो होता है ना वो बड़ों का होता है, तो अब इफ्तिखार भाई जब है मौजूद तो अब कैसे जो है वो हैदर अली जैसे 18-19 साल के बच्चे को चांस दे दिया जाए यार, समझे ना इस बात पे फिर भाई यार आप। मतलब कमाल, आप ये देखिए जो 50 इसके पहले T20 में आने चाहिए थे, ठीक है वो बारिश की नजर हो गया, दूसरे में आते यार, मतलब आप उसको देखे थे, भूख देखी उसके बल्ले की आपने किस कदर नजर आई, मतलब यार लेकिन यार पता चल मुझे रहा था कि कोई इसमें यार मुझे कोई एक डर है इसको हैदर अली को लेके कि यार ये हैदर अली जो है वैसे अंडर 19 में भी इसका बड़ा अच्छा रहा था और काफी इसको अंडर 19 में भी प्रेज मिला था और अप्रिशिएट किया था लोगों ने, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है यार इसको ओवरनाइट स्टार बन गया है। अपनी जाहिर है डेब्यू पे इसने 50 मारे हैं, लेकिन मुझे डर ये है कि यार ये इसको जाया ना कर दें इसी तरह तारीफें कर करके। और जैसे और बहुत सारे लड़के आए वन टाइम वंडर टाइप के, आए एक दो मैच खेले परफॉर्म किया और फिर गायब हो गए, मुझे बस इसका ये डर है कि यार इसको रखें संभाल देखिए। के ये लोग। हाँ जिस तरह रिजवान को रखा हुआ है 4 साल रिजवान को तो रखा से हुआ ही है ना, रिजवान को तो इस्तेमाल अब किया है, संभाल के रखा हुआ है, हाँ इसको रखें लेकिन इसको शाहीन और मगर नसीम की तरह जो है ना वो आसमान पे भी ना चढ़ा दें और जो है वो समी असलम की तरह गायब भी ना कर दें, इसको संभाल के यूज करें नहीं अच्छा यार और देखें,
ये तो सिस्टम का फेलियर होगा। देखिए आपके पास अच्छा अच्छे प्रोस्पेक्ट आए, आपके पास रॉयल नजीर भी है इसके अंदर यार, मतलब ऐसा नहीं है, आपके पास लड़के हैं पीछे आपके पास जो आपको सपोर्ट करने के लिए, आप कंसिस्टेंट मौका तो दें उनको यार, टाइम पे मौका दे दें। आप देखें यार, कुछ सवालात उठे थे T20 पे हफीज और मलिक को लेके, वो ठीक है हफीज ने परफॉर्म कर दिया, अगली सीरीज जिम्बाब्वे से मलिक परफॉर्म कर देगा, मतलब T20 तक इनकी सीटें तो बुक है। आप ये मत सोचेंगे आप हैदर अली को अगर ये वाला मौका दे दिया गया, हाँ ये जरूर है कि अब नेक्स्ट T20 जब पाकिस्तान खेलेगा तो बेली की हड्डी तो हैदर अली बन गया, फिर खिलाना तो पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। अगर शुएब मलिक को इस दफा बिठा दिया तो अगली दफा तो वो ये नहीं बोलेगा यार मैं बैठ रहा हूँ। अच्छा है ना, तो अच्छा है ये यंगस्टर्स आए जरा परफॉर्म करें तो हल्के हल्के ये बाबे साइडलाइन हो जाएंगे खुद ही। देखिए यार, आपको एक कंसिस्टेंट कैप्टन रखना पड़ेगा जो बोल्ड डिसीजन लेने वाला हो। कुछ फील्ड के अंदर कुछ चीजें ऐसी भी नजर आई पाकिस्तान के कैंप की तरफ, फील्ड में खासतौर पर हारिस रोफ की तरफ से, जिसका लोगों ने सोशल मीडिया पे काफी उड़ाया। ठीक है यार, हीट ऑफ द मोमेंट होती है, बॉलर भी एग्रेसिव होता है, ठीक है दोनों लाहौरी बच्चे थे, दोनों एक दूसरे को समझते थे, ठीक है दोनों एक दूसरे से भिड़ गए, नजर भी आया, मगर ठीक है मैं उसको ये बोलूंगा गेम के अंदर ये सारी चीजें हो जाती है, दोनों तरफ से रिएक्शन आ जाते हैं, लोग कह रहे हैं नहीं कहना चाहिए था बाबर को, ठीक है यार तकरीबन एक के करीब करीब लड़के हैं यार, वो हो गया तो कोई बात नहीं यार। और फिर एक लाहौर की तरफ से खेलता है पीएसएल में, कराची की तरफ से खेलता है पीएसएल में, तो मैं ये कह रहा हूँ ना यार वो तो हो जाता है, मगर एक अच्छे नोट पे सीरीज खत्म हुई कि जीत आपके नाम आई। और मुझे हैदर अली का अगर आप बोले पूरा पाकिस्तानी कह रहा है, मगर ठीक है हैदर को थोड़ा सा लेट चांस दिए, मेरा एक सवाल ये जरूर बनता है कि यार इसको लेट चांस आपने दिया, आप सेकंड T20 में मौका दे सकते थे इफ्तिखार को और हैदर अली और सरफराज और वहाब रियाज, इनके इन्होंने तुर्क के पत्ते तीन इनके पास थे जो इन्होंने छुपा के रखे हुए थे। वैसे तो शायद एक होता है तुर्क का पत्ता, मुझे ताश के बारे में इतना पता नहीं है, मुझे आते नहीं है खेलना, लेकिन वो उसको वो जो मिसाल देते ना कि तुर्क के पत्ता, तो वो इन्होंने तीन तुर्क के पत्ते जो है ना वो रखे हुए थे छुपा के, हैदर अली सरफराज और वहाब रियाज के। अगर ये इफ्तिखार भाई देखें, अगर ये शायद दूसरा T20 जो ये हारे, अगर ये जीत जाते ना तो इनके पास फिर ये बहाना होता कि यार हम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, सेम टीम के साथ जाएंगे, तो उसमें ना ना हैदर अली की बारी आनी थी, ना सरफराज की बारी आनी थी, और वहाब रियाज की शायद आ जाती अगर आमिर इंजर्ड हो जाता। लेकिन ये हार गए तीसरा दूसरा मैच, तो फिर इनको इन्होंने कहा यार अब भैया इन लोगों को ले लो, वरना अगर नहीं इनके खिलाया और फिर हम हार गए तो बड़े जूते पड़ेंगे। देखिए वही है ना साकिब भाई, इस मैनेजमेंट ने अपना दाव, हाँ अपना दाव इन्होंने पूरा खेला, ऐसा नहीं कि अपना दाव पूरा नहीं खेला, पूरा दाव खेला इन्होंने। जब इनके गले में आ गया तो इन्होंने बोला कि यार ये ना हो कि पाकिस्तान पहुंचे तो एक अजाब ये भी भुगतना पड़े कि इनको क्यों नहीं खिलाया, उनको भी मौका दे दो। अच्छा इनको यकीन ही नहीं कि जीतेंगे, मैं सच बात बोल रहा हूँ, यकीन ही नहीं, मौका अगर यकीन होता तो कंसिस्टेंट होते अपने प्लेइंग 11 के ऊपर, नहीं यार ये हार रही है तो ये जीत के भी रहेगी, यानी कि मेरे और आपके जैसे लोगों के यार कुछ पब्लिक प्रेशर पे अगर आप पूरी टीम चेंज कर दो और वही टीम चेंज करो जिसकी लोग डिमांड कर रहे हैं इनको खिलाओ इनको, इसका मतलब है कि लोगों की जजमेंट आपसे ज्यादा है। अच्छा सबसे अहम बात जो इसमें नोट करने वाली है, शायद मैंने अभी तक मीडिया पे वो सुनी नहीं है, कि पहले T20 को तो चले आप साइड में कर देंगे यार, उसमें जरा बारिश वारिश हो गई थी तो पूरा मैच नहीं हो सका, लोग पूरा देखते। सेकंड T20 को और थर्ड T20 में बड़े में फर्क देखेंगे आप ये कि सेकंड T20 में तीन चार कप्तान नजर आ रहे थे फील्ड के अंदर, बल्कि चार से भी ज्यादा नजर आ रहे थे, हर कोई मतलब कप्तान बनने के चक्करों में लगा था, और चौथा या पांचवा आदमी रिजवानी होता था उसके अंदर खड़ा हुआ, कभी शोएब मलिक खड़े मलिक खड़े हुए थे, कभी उसको बुला लिया उसने, कभी वाप खड़ा हुआ है, मतलब आप ये देखें कि बाबर डिसीजन मेकिंग में बड़ा कंफ्यूज नजर आया सेकंड T20 में वो, और अच्छे खासे रन करके आप हार भी गए, जबकि थर्ड T20 में आपने देखा था विकेटों के पीछे से आवाज आ रही थी, अच्छा वो आवाज इतनी मजबूत है उसकी आदि भी है ये लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा तो उस आवाज के आदि है, सही बात है, 11 T20 सीरीज उससे निकाल के थी इन्हीं लोगों के साथ यार, मतलब उसकी आवाज तो ड्रेसिंग रूम तक जाती होगी, सरफराज जब चिल्लाता है आवाज तो साउथ अफ्रीका तक जाती है भाई, डोंडे लफाड़ों की तरह क्रिकेट, आप भूल गए उसकी आवाज साउथ अफ्रीका तक जाती है, साउथ अफ्रीका के प्लेयर अम्माओं तक जाती है, और उस पर आप उसको प्रेशर मिलो और ये बोलो कि कुछ हलकों से आवाज निकाली जाए, जानबूझकर प्लानिंग करिए, पॉलिसी बनाई जाए, मतलब पॉलिटिक्स की जाए टीम के अंदर, के रिजवान जो है वो
अच्छा है और उसमें कप्तानी के जरसीम भी, मतलब ये जरसीम डाले किसने भाई रिजवान के अंदर कप्तानी के? लेकिन आप ये वाली पॉलिटिक्स देखें, आप ये वाली पॉलिटिक्स देखें कि सरफराज की टीम में आते ही पाकिस्तान मैच जीत गया, ये इंग्लैंड तक हुई है कि मतलब इंग्लैंड को भी इंग्लैंड में भी ये पॉलिटिक्स उनके ड्रेसिंग रूम तक भी पहुंची है कि भाई ये सरफराज अगर टीम में है तो आज पाकिस्तान से हार जाना है क्योंकि वरना सरफराज को बड़ा मसला बढ़ जाएगा, अगर ये पॉलिटिक्स है तो फिर तो सरफराज ये भी पार्ट है। नहीं यार मैं यही कह रहा हूँ ना कि आज आपने देखा एक एक बयान आया रिजवान के हक में, रिजवान जिनको अपना आइडियल मानता है राशिद लतीफ को, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उसमें कप्तानी के जरासीम है। अभी पूरे खिलाड़ी के जरासीम नहीं है, कप्तानी के जरासीम किसने डाल दिया उसमें? अच्छा दूसरी बात, आज आपको पता है ना हम लोग आज मोइन खान, एक सेकंड हम लोग एक मिसाल देते ना, वो टोकन डाल दिया है, वो टोकन डालने वाली मिसाल बस एक छोड़ दो, तो राशिद भाई ने तो वो टोकन डाला है रिजवान की कप्तानी वाला, टोकन डाल दिया, चलो भाई अब शुरू हो जाओ बहस करना। हाँ अब मोइन भाई का बताएं। अच्छा एक टोकन आज मोइन भाई ने भी डाल दिया कि T20 में अगर आपको कप्तान है तो वो सरफराज से बेस्ट कोई भी नहीं है, मोइन भाई ने भी आज टोकन डाल दिया अपना, तो दोनों आइडल्स ने अपने अपने टोकन डाल दिए मार्केट में। अब देखें सरवाइव कौन करेगा, नहीं रिजवान ही करेगा सिलेक्टर की पोस्ट के लिए। यार कुछ दिन पहले हमारी बात हो रही थी चीफ सेलेक्टर की पोस्ट पे मोइन भाई का नाम सुनने आ रहा था कि वो आ रहे हैं, और अगर तो वो आ तो आने से पहले उन्होंने एक पैगाम दे दिया है कि T20 में अगर कोई कप्तान फिट बैठता है तो वो सरफराज है। सही है, तो आप देख रहे हैं आगे वाले आने वाले हालात पे कुछ चेंजेस लगती है। देखिए मोइन भाई तो मोइन भाई ना टीम सेलेक्ट करके दे देंगे, लेकिन कप्तान तो बोर्ड ने ही बनाना होता है, मोइन भाई कप्तान तो नहीं बना सकते, कप्तान तो बोर्ड ही बनाता है, तो बोर्ड का जो वोट वो तो बाबर आजम के साथ ही है। हाँ टीम सिलेक्शन में शायद ये हो जाए कि जी कहीं सरफराज की जगह वो रिजवान की जगह सरफराज आ जाए, बट जाहिर है आपको भी पता है हमको भी पता है ये बात सबको पता है कि जो आपका हेड कोच बॉलिंग कोच और यूनुस खान का भी पता नहीं कि वो होंगे नहीं होंगे अगली सीरीज में किसी, तो इन दो लोगों का जो झुकाव है वो रिजवान की तरफ ज्यादा है, सरफराज उनकी लाइकिंग में नहीं है, तो वो जाहिर है प्लेइंग 11 में जब आएगा तो सरफराज का मुश्किल हो जाएगा, वो रिजवान का ही होगा। बहरहाल आज हमारे एक वो दोस्त है डॉक्टर जे, उन्होंने भी एक सरफराज के लिए ट्वीट किया है, वो सरफराज की तस्वीरें आजकल बड़ी वायरल हुई हुई है तीनों फॉर्मेट में, वो जमाई लेने वाली कि वो सरफराज फर्स्ट क्रिकेटर बन गया है टू यॉन इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स। तो हमारे वो जो दोस्त हैं डॉक्टर जे, उन्होंने मुझे और आप दोनों को ही ट्वीट किया है कि एज अ कैप्टन सरफराज इज वे अहेड ऑफ बाबर एंड अजहर अली, प्लेयर हु वन चैंपियंस ट्रॉफी एंड पुट द टीम एज नंबर वन इन T20 इज बीइंग रिडिक्यूल्ड डिसग्रेस्ड बाय डर्टी पॉलिटिक्स। जबरदस्त बात, बिल्कुल सही की है उन्होंने। और देखिए यार लेकिन ये जो मेमे शेमे बनती है ना, ये जो इस तरह की भाई ये तो ठीक है, मतलब ये तो सरफराज, अब यार एक आदमी बैठ के अगर खड़े होके फील्ड में यॉनिंग कर रहा है या डगआउट में बैठ के यॉन कर रहा है और उसकी तस्वीर जाहिर है क्राउड है नहीं आजकल वहां पे ग्राउंड में, तो कैमरे सारे प्लेयर्स पे या ऑफिशियल्स पे ही होते हैं, तो भाई सरफराज मियां तुम भी तो सोच लो ना यार कि बैठ के यॉनिंग कर रहे हो तुम ड्रेसिंग रूम में और डगआउट में, तो तस्वीरें तो आएंगी और फिर जाहिर है पब्लिक को तो चाहिए मौका वो करेगी, लेकिन पब्लिक की तरफ से अगर उसको कोई डिसग्रेस किया जा रहा है तो ये डिसग्रेस नहीं है। हाँ जो उनकी वो वाली बात है कि उसको बिठाया हुआ है वो उसके लिए है एक बात ऐसी। नहीं यार देखिए आप इतने सीनियर प्लेयर को जॉब के लिए लॉरल लेकर आया है वो उसको आप बेंच पे बिठा नहीं सकते, आप या स्क्वाड में अगर आपने लिया तो प्लेइंग 11 का हिस्सा होना जरूरी है, मतलब प्रोटोकॉल जैसे मलिक और शोएब है यार, मलिक और शोएब को आपने मलिक और हफीज को आपने लिया है तो इसका मतलब है वो दोनों आपकी ऑटोमेटिक चॉइस है, तो सरफराज भी ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। आपने मलिक को ड्रॉप नहीं किया, अगर आपने मलिक को बेहतर ये है कि यार अभी जैसे जिम्बाब्वे सीरीज अभी पढ़ रहा था कि कुछ बड़ी कुछ ऐसी सीरीज आती है बांग्लादेश हो गई या इवन आपकी जिम्बाब्वे हो गई श्रीलंका हो गई, तो देखा है रोहित शर्मा इवन विराट कोहली भी जो है वो रेस्ट कर लेते हैं, आपने देखा होगा बिल्कुल ठीक है, तो जहाँ दुनिया के बड़े बैट्समैन इस तरह की एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं तो भाई
बाबर को भी चाहिए कि यार दे मतलब ऐसे फॉर्मेट में तो मौका दे ना जहाँ वो 50 प्लस आ रहा है क्रीज के अंदर। नहीं यार क्या बैट्समैन है नंबर वन बाबर आजम, अभी उसको कप्तानी किए हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ भी भाई जिम्बाब्वे क्या यूएई भी आ जाए तो वो नहीं बैठेगा, क्या हो गया फिर भाई नहीं बैठेगा? नहीं भाई सवाल ही नहीं पैदा होता, मतलब रोहेल है उसको तो मौका मिलना चाहिए। आप अभी T20 वर्ल्ड कप से कंपैरिजन कर रहे हैं यार? नहीं नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए यार अभी मैं इसलिए मैं और पाकिस्तान का कल्चर आपको पता है यार, पाकिस्तान का कल्चर आपको पता है, पाकिस्तान में वो कल्चर नहीं है जो इंडिया में है कि यार देखिए अगर आप दिल किया तो मैं रेस्ट कर लूं, ऐसा नहीं है पाकिस्तान। प्लेयर्स को अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं जिस तरह से इंग्लैंड ने किया, अपने नए प्लेयर्स को मौका दिया, सीनियर्स को बिठाया, सीनियर्स अब दोबारा टीम में आ गए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के, आपने आपने देखा कि यहां तो उल्टा होता है भाई, क्या उल्टा होता है कि यार सीरीज हल्की आ रही है तो अपने अपने आपके बकौल आपके पौके पंटर डाल दो या वो लोगों को डाल सेट करा दो, बल्ले सेट करा दो, इनके एवरेज बनवा दो, उल्टा होता है ना यार ये सीन अलग है। मगर यार चले कुछ भी है, थोड़ी सी खुशी नजर आई मुझे माहौल में मिलने जुलने वालों से। हालांकि मैं उस दिन मैच टोटो में देख सका क्योंकि मैं शूट पे था, पूरा मैं देख भी नहीं पाया मैच, मगर जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ हैदर अली से जरूर महसूस हुआ, मजा आया। मतलब आपको अट्रैक्शन होती है ना, आपका दिल चाहता है कि यार चलो वो टिपिकल मैच देखे आदमी बैठ के, बैटिंग है ना उसकी टिपिकल T20 प्लेयर यार। मतलब आपको एंटरटेन किया उसने, आपको कहीं ये नहीं हुआ कि आपको लगे कि अपना चांस पक्का करने के लिए खेल रहा है वो, यानी कि 40 42 43 रन पे भी उसका बल्ला ऊपर ही था, वो उसका बल्ला टांगों के बीच पे नहीं आया, वो इस इंतजार में होता था कि यार मुझे शॉर्ट पिच आए और मैं उठा के बाहर फेंकूं, वो इस इंतजार में ऐसे लग रहा था कि बस वो ये इस बात के लिए डिटरमिन है कि बस मैंने बाहर फेंकनी है, जो मुझे शॉर्ट पिच बॉल मिलेगी मैंने बाहर फेंकनी है, ये लग रहा था। तो ये कि पूरी इनिंग को अगर मैंने देखा, हफीज का तो आपको पता ही है कि हफीज के जिन दिनों बल्ला चल रहा होता है फिर वो चल ही रहा होता है फिर वो, और जिन दिनों नहीं चल रहा होता फिर वो नहीं चल रहा होता। जिन दिनों हफीज का बल्ला चल रहा होता है उन दिनों मलिक का नहीं चल रहा होता, ये है नहीं। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया टूर पे दोनों नहीं थे, आपको पता होगा वहाँ बल्ला नहीं चल रहा था, बल्ले के वहाँ मसला ये बल्ले का नहीं था, वहाँ बस का था, वहाँ बस नहीं चल रहा था बांग्लादेश के अगेंस्ट, चल गया वहाँ बस भी चल गया। वही है कि जहाँ मौका मिलता है वहां पे खेल देते, मगर ये ठीक है अगर आपने T20 के लिए लड़के बनाने तो बेस्ट ये है कि आपके पास जिम्बाब्वे और आगे जो सीरीज है आपके पास थोड़ी हल्की टीम है, अपने नए प्लेयर्स को डेवलप करें, बेहतर मौका है आपके पास, कम से कम वर्ल्ड कप पे बेंच पे लोग तो नजर आएंगे, मगर आपको जाना, मैं यही कह रहा हूँ कि जिस प्लेयर के हाथ में जीत है उसको टीम का रुकन होना जरूरी है। ठीक है पॉलिटिक्स के साइड यार, वो फॉर्मेट उसको सूट करता है, मतलब मैं तो इवन वनडे में भी चाहता हूँ कि यार सरफराज को कहीं ना कहीं रखा जाए, क्योंकि बाबर से जब 20 ओवर में आपने देख लिया चार कप्तान नजर आ रहे थे फील्ड में, अगले मैच में चारों कप्तान गायब हो गए, एक ही कप्तान नजर आया, पुराना कप्तान नजर आया, वही आवाज सुनाई दी। इसी तरह आपको भाई ऐसे में अभी ऐसे में इनसिक्योरिटी, बाबर 50 ओवर में टेस्ट नहीं हुआ अभी तक, 20 ओवर में चल रहा है वो, अभी 50 ओवर की जिम्मेदारी जब आएगी तो देखिएगा। इनसिक्योरिटी भी बढ़ जाती है कि यार ये तो मुझे खा ना जाए यार ये कप्तानी में, तो इसको तो फारिग करो। ठीक है यार जेलेसी फैक्टर होता है, मगर गेम बाबर इस वक्त रन मशीन बना हुआ है और तकरीबन हर फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो रैंकिंग में भी नंबर वन जा रहा है T20 की, तो उसको तो चाहिए कि जितनी कम जिम्मेदारी अपने ऊपर रखे इस तरह, ठीक है मतलब खुद भी तो दूर रहा है, प्लेयर भी तो स्मार्ट होते हैं आपको पता है ना यार, जब तक वो टेस्ट नहीं होगा वो अच्छा कप्तान कैसे बनेगा। अब ठीक है अगर उसको कप्तान बनाया है, अब हमारे बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि यार बहुत जल्दबाजी में बाबर आजम को कप्तान बना दिया, तो भाई अगर जल्दबाजी में बाबर आजम को इस वक्त कप्तान बना दिया है तो फिर आप लोग जल्दबाजी में उसको हटाए नहीं ना यार, उसको सपोर्ट करें ना यार, अब एक आदमी कप्तान बन गया है तो उसको सपोर्ट करें, ठीक है उसको जल्दबाजी में पूरा मौका दें आप। नहीं भाई देखें सिलेक्शन जो पैनल है या जो भी टीम मैनेजमेंट है उसको एक दफा कह दे कि बाबर को हमने कप्तान बना दिया और ये 5 सीरीज के लिए है, बना दिया ना यार, मतलब कैसे है? मगर आपको अभी यही नहीं पता कि आपने सीरीज कहाँ खेलनी है, आप रोज तो जोड़ तोड़ में लगे रहे होते हैं कि अब उससे खेलेंगे अब उससे खेलेंगे, हर 15-20 दिन के बाद एक नया बयान आता है, अब PSL का एकदम आ गया, अच्छी खुशाइन बात है, PSL की भी कुछ रिमेनिंग मैचेस है वो भी हो रहे हैं, तो क्रिकेट में तो आपके पास जोश और एक्साइटमेंट जब ही आएगी जब जीत आएगी। किसके IPL की क्या खबर? IPL के साकिब भाई वही अभी मैं दो दिन पहले जब इत्तेफाक है आपसे फोन पे व्हाट्सएप पर ही बात हो रही थी, तो मैं यही कह रहा था कि यार कुछ खबरें इस तरह की, रायना के जाने के बाद, ठीक है उसका अपना फैसला है, ठीक है और उसकी फ्रेंचाइज ने जो ओनर है उन्होंने उसको मान भी लिया, ठीक है उस
उसके अपने कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं, मगर ये कि यार ये खबरें जो फैलाई जा रही थी ना कि यार बहुत कोविड केसेस आ रहे हैं और चेन्नई सुपर किंग के जो ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ है उसमें 8-9-10 लोगों को कुछ हो गया, तो भाई अब जब ये कोरोना के बाद ही यूरोपियन लीग स्पेनिश लीग फुटबॉल की लीग शुरू हुई थी तो इनका भी ये हाल था जहाँ 2,500-3,000 लोगों का कोविड टेस्ट हो रहा हो यार, अब आप सोचे रोज के हिसाब से वहां तो फिर इस तरह की चीजें होंगी, कुछ लोग पॉजिटिव भी आएंगे, वो बबल में भी जाएंगे, बबल में रहेंगे, जैसे पाकिस्तान का हुआ था, तो ये चीजें तो चलती रहेंगी, मतलब कुछ तरह प्रोपेगेंडा टाइप की चीजें बना के भेजी जा रही थी। क्रिकेट स्टार्ट होने जा रही है और एक बड़ी लीग का बड़े मैचेस होंगे और पूरी दुनिया के प्लेयर्स उसके अंदर होंगे, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि यार किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज हो जिससे खेल पे असर पड़े, उनकी पूरी कोशिश है वो कर रहे हैं और मेरे ख्याल में उसमें उनको कामयाबी भी होगी बेहतर। आपको यूएई में 2009 का मुझे याद है आईपीएल जो हुए थे पर पूरे पैक अब तो खैर अभी तो बिल्कुल ही गैर मामूली हालात है, मगर ऐसा नहीं है की व्यूअरशिप नहीं, व्यूअरशिप हमेशा से आईपीएल अगर कहीं और भी होगी तो वही व्यूअरशिप होगी, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर एक बड़ी लीग है और इस पूरे सीजन में आपको पता है सितंबर फिर नवंबर पीएसएल आ रही है, उसके आगे दमावेज सीजन, तो पूरे क्रिकेट चलती हुई नजर आ रही है। ठीक है चलें हम भी चलते हैं, हम भी चलते फिरते नजर आते हैं भाई, अभी आज चलते हैं और हम लोगों ने ये भी इरादा ये था कि थोड़ा सा ना आज मैं ज्यादा बोल गया व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए यार जो समझते हैं कि अब हमारा यही होता है कि यार हम किसी तरह निकाल के आधा एक कर लें बैठ के, मगर कभी कभी जरा मुश्किल हो जाता है बहुत ही मैनेज करना, सही भी बच्चे वो होते हैं बाहर से आया तो मैं इस धंधे में लग गया क्या चक्कर है, तो उसके ऊपर अब इस वक्त हम आपको क्या बताएं कि हम इस वक्त सुबह के किस टाइम पे बैठे हुए ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं और अभी हमें सोना भी और सुबह सुबह फिर उठ के जाना है काम पे। खैर ये तो सबके साथ ही चल रहा होता है, लेकिन भाई सॉरी अगेन इस ब्रेक के लिए जो बीच में आ गया 3-4 दिन का, तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा लंबे लंबे ब्रेक्स ना आए। ठीक है सागी भाई, मगर ज्यादा मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि पाकिस्तान की जीत का राज सरफराज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।